वर्तमान समय में जन समुदाय का पोषण स्तर और प्रोटीन की आहार में कमी को पूरा करने के लिए जापानी बटेर पालन मुर्गी पालन क्षेत्र में व्यावसायिक रूप में लाभदायक अंडे और मांस उत्पादन की उत्तम क्षमता के कारण एक विकल्प के रूप में उभरा है। भारत में पहली बार जापानी बटेर वर्ष 1974 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लाया गया। पालतू जाति के जापानी बटेर को हमारे देश में लाया जाना किसानों के लिए स्वरोजगार के तौर पर काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, क्योंकि बटेर पालन कम लागत सुगम रखरखाव पर मांस और अंडे की जरूरत पूरी करता है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण रोग की संभावना कम रहती है। आज बिहार में भी जापानी बटेर अनेक जिलों के ग्रामीणों की जीवन दशा सुधारने का भी माध्यम बन गया है। इसका श्रेय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को जाता है। बटेर जो बिहार और स्वीकृति प्रांतों के लिए जो अनुशंसित प्रभेद है प्रजाति है वो है जिसको कटर्निक्स कहा जाता है, और ये एक पक्षी है जिसका काफी स्वाद में बेहतर होता है और बाजार में डिमांड इसका काफ़ी ज़्यादा है। ये भोजन भी काफ़ी कम करती है, प्रतिदिन में औसत 15 से 20 ग्राम इसमें दाना पानी की ज़रूरत पड़ती है। अत्यंत ही रोगरोधी प्रजाति होने के चलते इसमें मृत्यु दर भी काफ़ी कम होती है, बटेर आपके मरते कम है, और इसमें दवा इत्यादि की ज़रूरत और टीका की आवश्यकता लगभग नगण्य पड़ती है, बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से राज्य के किसानों ने बटेर पालन पर तकनीकी प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय से जुड़कर अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग बटेर पालन पर ट्रेनिंग लिए तो अभी हम बटेर का पालन के साथ साथ अंडा उत्पादन बटेर का चिक्स उत्पादन करते हैं। 5 से 7 जिले में यहाँ बटेर पालन करा रहे हैं। अभी लगभग 5000 बटेर हैं और वो कैरी श्वेता और कैरी निर्भीक इस तरह के वैरायटी हमारे पास हैं। मेरा नाम अनुज कुमार है। मेरा ग्राम उस्मानचक पोस्ट उस्मानचक थाना मसौढ़ी जिला पटना का रहने वाला हूं। मैं बटेर पालन करता हूं और मैं बटेर पालन का प्रशिक्षण बिहार पशु महाविद्यालय से लिए हैं। बटेर पालन बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। 30 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है और बाजार में बिकने लायक हो जाता है। बटेर एक लाभकारी व्यवसाय है। शारीरिक वजन में तेजी से बढ़ोतरी के कारण ये 5 सप्ताह में ही खाने योग्य हो जाते हैं। मादा बटेर 45 दिनों की आयु से ही अंडे देना आरंभ कर देती है और 60वें दिन तक पूर्ण उत्पादन की अवस्था में आ जाती है। इस तरह से एक वर्ष में मादा बटेर औसतन 280 से 300 अंडे देती है। हमारे पास 5000 में हम लोग क्या करते हैं कि 3 मादा पे 1 नर को उसके साथ रखते हैं, तो इसका बटेर का फर्टिलाइज अंडा उत्पादन होता है जिसमें हम लोग को मैंने 1/4 तो उसमें नर ही हो जाता है। इसलिए हम लोग को 50% जितना बटेर होता है 50% से 60% अंडा उत्पादन होता है। इस अंडे को हम हर 6 दिन पे अपने इक्यूबेटर में हम लोग लगाते हैं, उसको बढ़िया से हम लोग चेक करते हैं, जो अंडा क्रेक होता है उसको साइड कर देते हैं और जो नहीं क्रेक होता है उसको हम इक्यूबेटर में लगाते हैं, और इक्यूबेटर में लगाने के बाद 16 दिन तक ये सेटर में रहता है। इसका पूरा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और ये मेंटेन हम लोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर इसको हैचर में ले जाते हैं, और हैचर में 2 से 3 दिनों के बाद ये बच्चा जर्मिनेट हो जाता है। उस जर्मिनेट होने के बाद फिर बच्चा को हम लोग ब्रूडर रूम में ले जाते हैं, और ब्रूडर रूम में मैंने 7 दिनों तक हम लोग 33 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और उसको हम लोग फिर तब जाके 7 दिन ब्रूडिंग करने के बाद फिर जाके हम लोग दूसरे किसान को देते हैं, और इसमें जस्ट लाइक मुर्गी का ही फीड चलता है।
बटेर के मांस में संतुलित मात्रा में अमीनो अम्ल, विटामिन, वसा और धातु पदार्थ अच्छी मात्रा में होती है। बटेर की मीट में कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा काफी कम होती है, जिसकी वजह से यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होता है। इसके अंडों का औसत वजन 10 से 11 ग्राम तक का होता है। चितकबरे और बड़े ही खूबसूरत होते हैं। इसके मांस बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसकी एनिमल प्रोटीन काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होने से इसके मांस को बेहतर माना जाता है। बटेर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। जरूरत है इसके वैज्ञानिक ढंग से पालन की। बटेर के पालने में औसतन आपको एक बटेर को 4 सप्ताह में तैयार करने में 15 से 16 रुपए तक का खर्च आता है और चूजे आप किसी विश्वस्त हैचरी से खरीदते हैं तो एक दिन ही से 4 दिनों तक के चूजों का दाम औसतन 10 से 12 रुपए पड़ता है। अर्थात एक बटेर को तैयार करने में मुश्किल से 20 से 25 रुपए का कुल खर्च आता है और इसको अगर आप बेचने जाइएगा तो इसका थोक मूल्य 35 से 45 रुपया होता है, खुदरा मूल्य ये 75 से 80 रुपये तक का हो जाता है। अर्थात प्रति बटेर अगर आप चाहें तो 15 से 25 रुपये तक की बचत आप थोक भाव में बेच करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप बेरोजगार युवा या घर की महिलाएं भी छत पे दरबा बनाकर केज सिस्टम में बांस बल्ले का दरबा जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं और उसका दरबा बना करके मल्टी लेयर 3 लेयर या 4 लेयर का पिंजरा बना करके आप उसमें पाल सकते हैं। बांस के दरबे में नीचे में बिछाली के रूप में आप कुन्नी बिछा दें या धान की भूसी बिछा दें, उसके ऊपर फीडर और ड्रिंकर प्लास्टिक के छोटे छोटे आते हैं उसे रख दें। हाँ, फीडर और ड्रिंकर की प्रतिदिन साफ सफाई नितांत आवश्यक है। साफ सफाई नहीं रहने से उनकी बढ़वार रुक जाती है और उनमें संक्रमण का खतरा रहता है। 25 वर्ग फीट के जगह में आप चाहें तो 150 से 200 बटेर तक आप पाल सकते हैं बखूबी। अगर उसको आप 3 मंजिला बना देते हैं तो आप 450 से 600 बटेर तक उसी स्थान में पाल सकते हैं और नया टेस्ट होने के चलते बाजार भी इसका बहुत ज्यादा है, आपको कहीं भी बिक्री हो जाएगा। इस प्रकार किसान भाई उपरोक्त बातों पर ध्यान देकर आप इस व्यवसाय से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आप कृषकों में बटेर पालन के प्रति रुझान जगाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूक किया जा रहा है। इसके चूजे भी बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में उपलब्ध है। उन्नत प्रजाति के चूजे को ले जाकर के पाले और अत्यधिक लाभ कमाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कम वजन, कम जगह की आवश्यकता, शीघ्र एवं तीव्र बढ़वार, अधिक अंडे एवं मांस उत्पादन की क्षमता के कारण बटेर पालन व्यावसायिक तौर पर है फायदेमंद ही फायदेमंद।